उत्तरकाशी में संसदीय सचिव एवं विधायक गंगोत्री विजयपाल सजमान ने विकास खंड बटवाड़ी के झाला में कई योजनाओं का शिलान्यास किया। करीब 10 करोड़ की लागत से योजनाएं तैयार होंगी, इसमें 8 करोड़ की लागत से कोल्ड स्टोर भी बनाया जाना है। पीडीएफ को लेकर कांग्रेस संगठन के बयानों से मुख्यमंत्री हरीश रावत खासे नाराज थे। हरीश ने फिर साफ शब्दों में कह दिया कि पीडीएफ हमारे अभिन्न सहयोगी हैं, कुछ लोग अपने स्थानीय हितों के कारण कुछ बयान दे रहे हैं, तो पीडीएफ वालों को भी उनके बयानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। पीडीएफ लगातार हो रही बयानबाजी से भड़के मंत्री प्रसाद ने थानी बोले, कांग्रेस के मंत्री पीडीएफ के खिलाफ बोलना बंद करें, अब पीडीएफ के बारे में भी एक शब्द बर्दाश्त नहीं होगा। पीडीएफ की बदौलत सरकार चली और अभी भी चल रही है। देहरादून में नगर निगम के ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर नगर निगम देहरादून सरकार आमने सामने है। मेयर विनोद चमोली ने अजय भट्ट से आमरण अनशन पर बैठने की मांग की है, जबकि सीएम का कहना है कि यह भाजपा का अंदरूनी मसला है और कौन अनशन पर बैठेगा कौन नहीं। बीजेपी युवा मोर्चा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, प्रदर्शन में बागी विधायक उमेश शर्मा काऊ भी शामिल। आरोप है कि सरकार युवाओं को नौकरी दिलवाने में फेल रही है, जबकि बेरोजगारी भत्ते के नाम का सिर्फ शगुफा ही छोड़ा जा रहा है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विशन सिंह चुम्फाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। चुम्फाल ने कहा कि कांग्रेस ने सभी ने मलाई खाई है और अब जनता के बीच जाने के वक्त एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। बीजेपी नेता विशन सिंह चुम्फाल ने कहा कि आपदा के 3 माह गुजरने के बावजूद पिथौरागढ़ जिले के 450 आपदा प्रभावितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला, नहीं पेयजल लाइनों को दुरुस्त किया गया, नहीं क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक किया गया। रुकी में राज मिश्र की छोटे भाई ने हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया। हत्या अवैध संबंध के चलते की गई है। ऋषिकेश में किसान ने एटीएम कार्ड से करीब 4.5 लाख रुपए की नकदी उड़ा ली है। शातिर ठगों ने अलग अलग जगह से एटीएम कार्ड के जरिए किसान के खाते से यह रकम निकाली है। कालाचुंगी पुलिस ने कोटाबाग से लाई जा रही 2 कारों में 56 पेटी अवैध देसी शराब को बरामद किया। कच्ची शराब हल्द्वानी से लाई जा रही थी। पुलिस ने दोनों कारों को सीज कर दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी फरार हो चुका है। लालकुआ में वन विभाग ने 4 वन जीव तस्करों को पकड़ा, जिनके पास राइफल तमंचा व भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं। ये तस्कर जंगल में जानवरों को मारने की फिराक में घूम रहे थे। हल्द्वानी में महंगी बाइकों के असली पार्ट्स धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। दिल्ली से आई रॉयल एनफील्ड कंपनी की जांच टीम ने पुलिस की मदद से दुकान मालिक को गिरफ्तार किया। इनके पास लाखों का सामान बरामद हुआ है। मसूरी में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देशों को ताक पर रखकर कई इलाकों में निर्माण कार्य हो रहा है। कैमलबैक रोड और कैम्प्टी रोड पर कई बिल्डर्स ने पुरानी संपत्तियां खरीद ली और यहां पर रिजॉर्ट्स और दूसरे बड़े रेस्टोरेंट्स बनाए जा रहे हैं। रामनगर में 1-7 अक्टूबर तक वन्यजीव प्राणी सप्ताह मनाने की तैयारी जोर शोर से जारी है। इसके लिए अधिकारियों और वन्यजीव प्रेमियों की एक बैठक का आयोजन किया गया और कार्यक्रमों की रूपरेखा को तैयार किया गया। चंपावत जिले में विश्व पर्यटन दिवस पर ट्रैकिंग अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस साल पर्यटन विभाग की ओर से सभी के लिए पर्यटन संबंधी विषय जारी किया है, जिसके तहत 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के दिन ट्रैकिंग अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। सरकारी खर्च पर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र बॉन्ड का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। अब बॉन्ड की शर्त और भी ज्यादा कठोर हो रही है। सीएम के आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित करने वाले प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षक संघ भवन में बैठक की, जिसमें जल्द ही मांगों को पूरा करने के लिए रणनीति बनाई गई है। बैकलॉग के रिक्त पदों को भरने के लिए बैकलॉग संघर्ष संघ के छात्र नेताओं ने विकास नगर ने कहा कि हम काफी वक्त से अपनी एक सूत्री मांग को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार हमें छलने का काम करते आ रहे हैं। रुद्रपुर में डीएम ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को 2 बार चेतावनी दी कि सड़कों पर गड्ढे भर जाएं, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर गुस्साए डीएम ने अधिकारियों को 26 तारीख तक काम पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। देश में पहली बार किसी नरभक्षी उल्दाप की तलाश में वन विभाग ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन से प्रतिदिन कई किलोमीटर के क्षेत्रफल में इस नरभक्षी की तलाश की जा रही है। हालांकि 2 दिनों से चली आ रही इस कवायद में अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। देहरादून में बाल एवं मातृत्व सम्मान दिवस की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। इसके तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी स्वास्थ्य केंद्र पर किशोरियों और गर्भवती महिलाओं की जांच होगी और बेहतर काम करने वाली आशा कार्यकारी को सरकार सम्मानित करेगी। उत्तराखंड के लोगों को पानी की किल्लत से निजात मिल सकेगी। पेयजल मंत्री ने बताया कि राज्य में कई जगहों पर लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जल्द ही वर्ल्ड बैंक से मिले बजट से तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा। अल्मोड़ा डिपो को 19 और नई बसेस मिल गई हैं। अब अल्मोड़ा डिपो के पास 50 से ज्यादा बसेस होगी। संसदीय सचिव मनोज तिवारी ने बसों को हरी झंडी दिखाई और इसके लिए मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को धन्यवाद व्यक्त किया।
चंपावत जिला मुख्यालय में दीपावली के बाद किसी भी तरह की पॉलिथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा। प्रशासन और व्यापारियों के बीच हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर किसी भी व्यापारी अथवा आम जनता से पॉलिथीन मिलने पर 5,000 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा।